Hello and welcome back to Mom's Magic by Anjana. तो आज बनेगा उत्तपम, वो भी बचे हुए इडली बैटर से। अक्सर ऐसा होता है जब हम इडली का बैटर तैयार करते हैं तो वो बैटर बच जाता है, तो उस बैटर का हम यूज करते हुए आज उत्तपम बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम तेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए देखिए, इडली बैटर बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल लिया है और 1 कप मैंने लिया है उड़द दाल यानी माखी दाल। ये देखिए, ये 3 रेशियो आप याद रखिएगा कि 2 कप चावल और 1 कप उड़द दाल। अब देखिए, इसे मैंने 5 से 6 घंटे फुला लिया था और अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा, ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैंने फुलाया था पानी में धोकर अच्छे से, और अब इसका हम बैटर तैयार कर लिया है, और बैटर को हमने तैयार करके रखना है 7 से 8 घंटे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। तो देखिए, फर्मेंट होने के बाद अब देखिए क्या लेना है। वेजिटेबल्स हमने ले लिया है, यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च लिया है, बीन्स लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है करी लीव्स, थोड़ा सा कैप्सिकम लिया है, प्याज लिया है, और यहाँ मैंने टमाटर लिया है। अपने मनपसंद वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे और सारे वेजिटेबल्स को उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। जितने भी वेजिटेबल्स हमने लिए हैं सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, सारे वेजिटेबल्स मैंने इस तरह से डाल दिया है, और अब मैं इसमें इसका थोड़ा सा, इसका जैसे कि हम इसका सीजनिंग बना रहे हैं ऊपर से इसे हम ऐड करेंगे, तो इसलिए अब इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और इसको डालकर मिक्स कर लीजिए। और कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। तो देखिए ये तैयार हो गया है और बहुत ही चटपटा हमारा बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ पे ये बैटर देखिए, इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि डोसा का बैटर है नहीं तो इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तेल मैंने लगा लिया है, नॉन स्टिक पैन लिया था मैंने। तो देखिए अब इसको हल्का हल्का इस तरह से स्प्रेड करना है, और ऊपर से ये वेजिटेबल्स जो हमने टॉपिंग्स तैयार किए हैं वो इसमें डालेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और डालकर स्प्रेड कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा तेल साइड साइड में डाल दीजिए ताकि ये कुक हो जाए। और एक साइड से ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसे टर्न करके ढककर दूसरे साइड से कुक करेंगे। तो देखिए ऊपर ऊपर भी मैंने तेल लगा दिया वेजिटेबल वाले हिस्से में, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, और इसे पलट कर और इसे हम ढकेंगे और अच्छी तरह से इसे कुक करेंगे। फ्लेम का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पर काम करिएगा। और ये देखिए अब मैंने इसे निकाला, तो ये देखिए अच्छी तरह से अब बनकर रेडी है। बस थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कच्चा ना रहे। तो देखिए वेजिटेबल्स कच्चे भी रहते रहे तो वो खाने में अच्छा लगता है, बस मेन हमारा ये बैटर जो है वो कुक हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए बन गया है ना स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए ये बन के तैयार है, अब इसे निकाल कर हम सर्व करते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, चलिए सर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा वेज उत्तपम बन के तैयार है। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ हमने हेल्थ का भी ध्यान रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सिंपल सामान से, मतलब थोड़े बहुत वेजिटेबल्स लिया, उसमें मसाले डाले, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले, और इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है कि मैं क्या बताऊँ। एक बार तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है। और इसको सर्व करिए मूँगफली की चटनी या कच्चे नारियल की चटनी के साथ। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, चलिए मैं चटनी के साथ एंजॉय करने, यहाँ पर मैंने नारियल की चटनी ली है। और आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।